जैसा कि आप जानते हैं कि 4G के बाद अब 5G आना बहुत ही ज़रूरी है, तो आज हमने टॉप 6 ऐसे स्मार्टफोन्स रखे हैं अपनी लिस्ट में और जो होंगे 5G कनेक्टिविटी के साथ। जी हाँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पीके टेक्वाज यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर रहे थे अपने टॉप 6 स्मार्टफोन्स की, तो नंबर 1 पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S10। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत स्मार्टफोन है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ओ इन्फिनिटी डिस्प्ले यूज की गई है। जी हाँ, और बताया सैमसंग वालों ने कि इसके अंदर जायनफ का 9 प्रोसेसर यूज़ किया है, जो देगा आपको 5G कनेक्टिविटी। बात करते हैं अपने दूसरे नंबर स्मार्टफोन की, जो कि है हुवावे की तरफ से, हुवावे P30। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस स्मार्टफोन को, एज अ स्मार्टफोन और एज अ टैबलेट दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप अभी तक कि इस स्मार्टफोन को हम बोलेंगे फोल्डेबल स्मार्टफोन और आपको मिलेगी 5G कनेक्टिविटी। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर स्मार्टफोन की, जो कि सोनी एक्सपीरिया XZ4। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसकी यही एक तस्वीर है और उसके अंदर स्मार्टफोन जो है वो आप देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और मिलेगी आपको 5G कनेक्टिविटी। करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की, जो कि है नंबर 4 पर हमने रखा है, जिसका नाम है OnePlus। और OnePlus ने अभी तक बताया नहीं है कि वो अपना 5G स्मार्टफोन कब लॉन्च करेगा, लेकिन कुछ रूमर्स से पता चला है कि जो OnePlus 7T आएगा, हालांकि 7 में वो 4G ही देगा, लेकिन OnePlus 7T जो आएगा उसके अंदर आपको मिलेगी 5G कनेक्टिविटी। बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की, जिसको हमने रखा है नंबर 5 पर, और वो स्मार्टफोन है iPhone X। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे iPhone X तो लॉन्च हो चुका कब का, लेकिन नहीं, 2019 में 2019 का एडिशन आएगा iPhone X 2019, और आपको मिलेगा इसके अंदर 5G कनेक्टिविटी देखने को। और लास्ट में हमने रखा है लिनेवो का स्मार्टफोन, और बताया नहीं है इन्होंने अभी कुछ, लेकिन कुछ रूमर्स से पता चला है कि 855 का प्रोसेसर आएगा स्मार्टफोन में और इसके अंदर SoC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सारे स्मार्टफोन आपको मिलेंगे 2019 के दौरान। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।